हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे हिंदी की बुक में लेसन थर्ड निकालेंगे, पेज नंबर 18। लेसन थर्ड का नाम है जुगनू चमक उठे। क्या नाम है लेसन थर्ड का? जुगनू चमक उठे। सबसे पहले अपन इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले अंधेरा, अंधेरा का अर्थ क्या होता है? अंधकार। अंधेरा का अर्थ क्या होता है? अंधकार। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? रोशनी। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? रोशनी। रास्ता, रास्ता का अर्थ होता है पथ। रास्ता का अर्थ क्या होता है? पथ। झुंड, झुंड का अर्थ क्या होता है? समूह। क्या झुंड का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? समूह। सबको अपनी फेयर कॉपी में लेसन थर्ड लेसन का नाम राइट करना है, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ लिखने। अब अपन बुक रीड करेंगे। असम के गांव में बहुत से जुगनू चमकते हुए दिखते हैं। एक असम का गांव है, वहां पे बहुत से जुगनू चमकते हुए दिखते हैं। पढ़कर जानिए क्यों। एक छोटा लड़का धोन अपनी माँ के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहता था। कहाँ रहता था? छोटे से गांव में। गांव का नाम क्या था? असम। हर रोज शाम को धोन की माँ जंगल में लकड़ियाँ बीनने जाया करती थी। कहाँ जाती थी उसकी माँ? लकड़ियाँ बीनने। धोन उतने समय तक बगीचे में खेलता रहता था। जब उसकी माँ लकड़ियाँ बीनने जाया करती थी, जब वो बच्चा कहाँ खेलता था? बगीचे में। प्रतिदिन जाने से पहले धोन की माँ धोन को समझा कर जाती कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना। जब वह प्रतिदिन लकड़ियाँ बीनने जाती थी तो उस बच्चे को समझा कर जाती थी। क्या समझा कर जाती थी? कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना, खेलते खेलते ज़्यादा दूर मत जा। जाना
दिख रहा है। उसने देखा धीरे धीरे वह रोशनी उसी की ओर आ रही है। थोन अभी उन्हें हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई, मैं जुगनू हूँ मेरे छोटे बच्चे, तू क्यों रो रहे हो? क्या बोल रहा है कि मैं जुगनू हूँ मेरे प्यारे छोटे बच्चे, तू क्यों रो रहे हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। कौन बोल रहा है? धोन क्या बोल रहा है जुगनू को कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मैं अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहता हूँ। धोन ने इसका जवाब दिया। धोन ने जवाब किसको दिया था स्टूडेंट? जुगनू को दिया था। किसको दिया था? जुगनू को। अब अपन पेज नंबर 20 निकालेंगे। रो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ोगे। कौन बोल रहा है ये? जुगनू बोल रहा है। इससे बोल रहा है वो छोटे बच्चे से। क्या बोल रहा है? रो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ोगे। धोन ने जुगनू को कभी परेशान न करने का वादा किया। जुगनू आगे आगे और धोन उसके पीछे पीछे चलने लगा। किसने वादा किया? उस बच्चे ने किससे वादा किया? जुगनू से। क्या वादा किया? कि मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जल्दी ही धोन अपनी माँ की बाहों में बैठा। उसके पीछे पीछे वह गया तो वह अपनी जल्दी उसकी अपनी माँ के पास माँ की बाहों में बैठा। उसने जुगनू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो। क्या बोला उसने जुगनू को? जुगनू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। किसने क्या बोला जुगनू को? कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमने भी अपना वादा निभाया और मुझे परेशान नहीं किया। कौन बोला?